नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। और कई मुझे कमेंट आते हैं कि फ़ोटो मसमज प्रिंटिंग बनाने के लिए 3-4-5 घंटा लगता है और फोटो अच्छा नहीं बनता है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत पेशेंस का काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको 4G का स्पीड दिया जाए और एकदम 5 या 10 मिनट में उसको कैसे कंप्लीट कर सके। क्या बोला तूने? हाँ ठीक सुना आपने, 5 या 10 मिनट में उसको कैसे कंप्लीट करना है ये वीडियो में बताऊंगा। कटिंग से लेके पूरा कैसे कंप्लीट करना है ये सिखाऊंगा। और क्योंकि ये बहुत मेहनत का और टाइम का काम होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैंने एक शेर लिखा है, उस पर शेर यू है, पहले इरशाद तो करो। माना कि मेहनत का काम बहुत अच्छा होता है, पर यह कहा लिखा है जल्दबाजी का काम खराब होता है। हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे 5 या मैक्सिमम 10 मिनट में फोटो को कैसे कंप्लीट करना है, और वो सिखाने का काम 5 मिनट का है। और भाषण 2 घंटे का दूंगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने ये फोटो सिलेक्ट कर लिया है। और अभी बनाने के लिए एक न्यू पेज पे बनाऊंगा। फाइल में जाके, न्यू में जाके यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। ओके, इसको अभी रोटेट करना है। इमेज में जाके रोटेशन 90 डिग्री रोटेट कर लिया है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ओके, कंट्रोल टी करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया है ताकि ठीक ठाक सही पोजीशन रहे। सेंटर में फेस रखूंगा और इधर का बाजू थोड़ा इधर खिसका के। ओके, अभी हमें ये कटिंग नहीं करना है, क्योंकि कटिंग में थोड़ा टाइम जाता है, तो वो हम टाइम बचाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसका पहले तो एक डुप्लीकेट निकाल के रखेंगे बैकअप के लिए, हमारा कुछ गलत होता है तो बैकअप के लिए रहे। और ये कंट्रोल जे कर दिया। अभी अल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ओके, अभी जो बैकग्राउंड है हमें वो वाइट नहीं चाहिए, वो 50% ग्रे चाहिए। तो एडिट में जाके, फिल में जाके यहाँ पे 50% ग्रे पे सिलेक्ट करेंगे तो वो ग्रे बैकग्राउंड होगा। इसको थोड़ा डार्क करने के लिए मैं कंट्रोल यल दबा के बीच वाली डंडी को थोड़ा इधर खिसकाऊंगा। एकदम थोड़ा व्हाइट लग रहा था तो थोड़ा डार्क में कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे ये मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हमें ब्रश लेना है, और कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले लो, कोई भी डिफॉल्ट सॉफ्ट राउंड ब्रश। और थोड़ा क्लिक करके देखो फेस कहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे फेस है। मैंने ओपेसिटी ज़रा कम कर दी है, एकदम धब्बा ना लगे, तो मैं 20 से उसको फेस को थोड़ा ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगा, और बाकी के जो एरिया है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी इसमें आने देते हैं, सिर्फ वो कट हो रहा है वो नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड का कलर भी आता है तो बहुत अच्छा है। ओके, अभी यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट है हम डायरेक्ट ये सॉफ्ट वाले ब्रश से नहीं करेंगे, उसके लिए वो यहाँ पे क्लिक करके ड्राई मीडिया ब्रश में देख लो, या थिक हेवी ब्रशेस में ज़रा चेक कर लो। ये खिचबीज वाला ब्रश है, वो इसका भी थोड़ा सा ये करके हम नीचे वाले पार्ट को है, ज्यादा हो गया, ऐसे ब्रश स्ट्रोक दिखाने हैं थोड़े थोड़े। ये होने के बाद अभी आप देखेंगे कि फोटो जो है एकदम डल है, उसमें कोई ज्यादा कलर नहीं, तो बड़ा कलर क्या दिक्कत है। रेड ज़्यादा दिख रहा है, तो उसी इमेज में जाके, एडजस्टमेंट में जाके, सिलेक्टिव कलर में जाके इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं इसको। ओके, ये यहाँ से ब्लैक को थोड़ा बढ़ा दिया है, और
ये येलो को थोड़ा कम कर दिया है ताकि वो सैचुरेशन ये ना दिखे, फिर भी और थोड़ा बढ़ा देते हैं, इतना हो गया। अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, कलर अप्लाई करना है, एक न्यू लेयर लेके ब्लेंडिंग मोड कलर करके उसके ऊपर एक साइड में थोड़ा मैं सॉफ्ट ब्रश लूंगा, एक साइड में थोड़ा पर्पल, एक साइड में थोड़ा सा येलो टाइप कर दूंगा, पर्पल कलर सिलेक्ट करके ये साइड में जहाँ जहाँ शाडो है उस वहाँ पे मैं थोड़ा पर्पल डाल दूंगा, और यहाँ से लाइट आ रही है तो जरूरी है कि यहाँ भी थोड़ा होगा तो वो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, और हाथ को भी करना है उसके साथ, ना इंसाफी नहीं करनी है, इसको भी थोड़ी वो पर्पल कलर ऐड कर देते हैं ताकि लगे कि हाँ यहाँ से लाइट आ रही है, बालों में भी थोड़ा, और एक साइड में अभी ऑरेंज टाइप अपना ग्रीन टाइप कलर डाल देते हैं, और ये ब्लू कलर है वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐड कर देते हैं ताकि वो पेंट का थोड़ा लगे, ज्यादा कलर मिक्स कर दिया है ऐसा करके, और गालों पे थोड़ा पिंक, पर्पल कलर ज्यादा दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और ओके अभी इसको सिलेक्ट करके फोटो को थोड़ा जो हेयर वगैरह है एकदम ये लग रहे हैं फीके फीके लग रहे हैं तो उसको डार्क करना पड़ेगा, फिर से सिलेक्टिव कलर में जाके ब्लैक को सिलेक्ट करके हम ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ज़्यादा नहीं ताकि डेप्थ लगे। ओके अभी मचा नहीं आ रहा है क्योंकि हाईलाइट कम है, एक न्यू लेयर ले ली और व्हाइट कलर सिलेक्ट करके थोड़ा सा वो हार्ड ब्रश से जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ पे थोड़ा और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो वो थोड़ा ग्लॉसी लगेगा, ऑलरेडी है कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके पास का फोटो जो है उसमें कम है तो उसमें भी कर दो। यहाँ से लाइट आ रही है तो वो दिखाने के लिए इतना हो गया। अभी क्या करेंगे, सबका एक लेयर बनाते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई करेंगे तो जितने भी लेयर हैं उतना एक ग्रुप ये बनेगा, ऊपर एक लेयर बनेगा, इसको ग्रुप बना के लेते हैं कंट्रोल जी करके, और उसको अभी क्या करेंगे फोटो को थोड़ा शार्प करेंगे, ओके ज्यादा शार्प हो गया लगता है, अपने हिसाब से फोटो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है, और अभी अभी इसके डायरेक्टर समझ करना है, उससे पहले एक न्यू लेयर क्रिएट करके वो फिर से वो खिचबीज वाला ब्रश सिलेक्ट करके थोड़ा ही इसको ब्रश स्ट्रोक दिखाने के लिए इसको थोड़ा लाइट कलर यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको मर्ज करके अभी डायरेक्ट स्मजिंग करेंगे, स्मजिंग में भी यही खिचबीज वाला ब्रश लेके पहले हेयर का काम करेंगे, इसके लिए मैं स्ट्रेंथ रखूंगा 90 और
मैं बड़े बड़े स्ट्रोक मार दे रहा हूँ, जैसे कि पेंटिंग में होता है, बड़े बड़े स्ट्रोक में सिर्फ दिखाते कि हेयर स्टाइल ऐसा है करके, वो हर एक डिटेल नहीं दिखाते, तो खाली उसमें एक हेयर स्टाइल दिखाना है किस तरीके से। हाँ बड़े बड़े खाली स्ट्रोक दिखा रहा हूँ। और जहाँ पे हाईलाइट है बस वही का मैं थोड़ा कलर सिलेक्ट करके कोई तो येलो में थोड़ा लाइट कलर सिलेक्ट करके जहाँ जहाँ हाईलाइट पड़ते वहाँ पे अल्ट प्रेस करके मैं स्ट्रोक मारूंगा ऐसे। अल्ट प्रेस किया है और कोई न्यू लेयर वगैरह नहीं है, उसके साथ ही ब्लेंड हो रहा है, ज्यादा लंबा नहीं, उधर का उधर, उधर का उधर है। और यहाँ पे भी जहां ज्यादा लाइट पड़ती है वहां पे बड़े बड़े स्ट्रोक दिखा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा ग्लॉसी लगे। ओके, और सेम अभी फेस को भी स्मज करना है तो इसके लिए मैं ब्रश लूंगा और इसका सेटिंग आप देख सकते हैं, ये रखा है, उसका स्पेसिंग निकाल दिया है और अभी इसका स्ट्रेंथ है करीबन 35 रखा है। और बस ब्रश को बहुत बड़ा रखना है, बहुत मतलब बहुत बड़ा, ताकि कोई एक ही झटके में अपना फटाफट स्मजिंग का काम पूरा हो जाए। और ब्रश बड़ा रखने का और एक फायदा होता है कि इसके जो नॉइज नहीं रहता है, कहीं ज़्यादा बचता नहीं है, प्लेन और स्मूथ हो जाता है तो वो बहुत अच्छा दिखता है। एक साइड से थोड़ा सा ब्राइट कलर डाल दूंगा, येलो ही आ रहा है यहाँ पे तो मैं येलो ही डाल देता हूँ। एकदम लाइट, और यहाँ पे तो पर्पल होना चाहिए हल्का सा, एकदम लाइट। और फिर से वो इस ब्रश किधर गया, वो खिचबीज वाला ब्रश लेके उसका जो स्पेसिंग है वो निकाल देना है और उसको जरा जरा हल्का हल्का स्मज करना है इसके साथ, मर्ज कर देता हूँ। थोड़ा कलर का वेरिएशन लेने के लिए अल्ट प्रेस करके उसको मैं
ऐसा करूंगा। और वैसे करना है, मैं थोड़ा पॉज करके उसको थोड़ा थोड़ा है वो करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा पॉज लेके थोड़े कुछ करेक्शन किए हैं। करेक्शन यूँ है कि अभी मुझे ये थोड़ा नीचे लग रहा था, थोड़ा ऊपर लिया है, और ये फोकस है फेस पे ना जाके, बैकग्राउंड थोड़ा लाइट है तो उसमें जा रहा था। तो मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर दिया है कंट्रोल एल दबा के, और पोजीशन चेंज कर दिया है। अभी क्या है, हमारा स्मूजिंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो अभी उसके लिए टाइम ज़्यादा देना भी नहीं है। तो ये अपना 65 वाला ब्रश है, आप देखेंगे ये वाला आपको मिलेगा, मेरे पहले वीडियो है उसमें भी है। तो रफली उसको स्मूज स्मूज के नाम पे सॉफ्ट करना है। स्ट्रेंथ कम करके जो नॉइज वगैरह है, वो निकाल देना है। सिर्फ जो बड़ी बड़ी डिटेल है वही रखना है, बाकी कुछ ये नहीं करना है। अच्छा, इतना होने के बाद अभी क्या करना है, जो ओरिजिनल फोटो है उसकी कॉपी निकाल के ऊपर रखता हूँ मैं, और देखना है कि यहाँ पे जो लाइट है और स्ट्रोक कैसे मारना है। तो एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, और इसी का थोड़ा लाइट कलर, और वही ब्रश लेके हम क्या कर रहे हैं, उसके रफ डिटेल दिखा रहे हैं, हर एक डिटेल नहीं दिखा रहे, सिर्फ हेयर स्टाइल वगैरह जो है ना उतना कर रहे हैं। ओपेसिटी कम करके, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हेयर है और आईब्रो है वो डल है, उसको डार्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे रफ सिलेक्शन कर दूंगा। ओके, और सेम टू सेम आईब्रो का भी। फिर इधर देखिए, ये करके सिलेक्टिव कलर में जाके उसको थोड़ा डार्क करना है, और अनवांटेड पार्ट को इरेज करना है। ओके, तो एकदम स्पीड में, हालांकि मुझे टाइम लगा इसमें, पर टाइम मतलब फिनिशिंग करने, अगर उसमें और फिनिशिंग कर सकते, डिटेल क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि ये बाजू की डिटेल है शार्पनेस दिखाने के लिए। आउटलाइन इसकी वगैरह वो देख के आप कर सकते हैं, जितना काम करें उतना कम होता है। सिर्फ इसमें टाइम कैसे कम लगेगा, जो डिटेल का पार्ट है वो कम कर किया है, और जो बड़ी बड़ी डिटेल दिखा के स्ट्रोक मार के उसको ज़्यादा आर्टिस्टिक करने की कोशिश की है। आप देखिए, ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा नॉइज़ भी है इसमें, और अच्छा कर सकते हैं। कम टाइम में करेंगे तो कहीं ना कहीं छूट जाता है, कहीं कहीं रह जाता है। मेरे तो एडवाइस ये है कि टाइम देके अच्छे से करें, इसमें कोशिश की है कि कम टाइम में कैसे करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।